जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी टॉपिक मावला क्लासेस शुरुआत करती है तो उसकी एक नंबर ऑफ सीरीज़ वीडियोस को पार्ट वाइज कर देती है, कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस को डिवाइड कर देती है। स्टेट लाइन में हम एक पार्ट को पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आज उस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है स्टेट लाइन का, वो लाइन का स्लोप, जिसको यहाँ पर हमने दर्शाया है कि स्लोप बोलें या ग्रेडियंट बोलें या प्रवणता बोलें या ढाल बोलें। तो आज जानेंगे कि प्रवणता, स्लोप, ढाल ये लाइन का इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्यों हो गया। सबसे पहले जब भी लाइन का इंट्रोडक्शन होता है, लाइन के बारे में जानते हैं, तो स्लोप के बारे में सबसे पहले बुक्स या कहीं पर भी क्यों जानना ज़रूरी है, ये क्या इम्पॉर्टेंट सकता है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, इन सारी बातों पर, या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कितना इम्पॉर्टेंस है, इन सारी बातों को इस वीडियो में पूरा पूरा क्लियर करेंगे। तो आप बने रहिए अगर स्लोप के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे। एक कॉमन सी बात जो बुक्स में लिखी है वो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, बट वो समझना इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी बात है ज्योमेट्री के टर्म में हम लोग समझेंगे इम्पॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही इत्मीनान से इसको समझना है। सारी बातें कोई नई बात नहीं है, आप बुक्स में देखेंगे तो शायद हूबहू हो सकता है कि मुझे ये डेफिनेशन याद हो, मैंने लिख रखी हो, तो कुछ भी नया नहीं है डेफिनेशन वाइज और कंटेंट वाइज। नया क्या होगा कि कैसे डिफाइन करते हैं और स्लोप होता क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मीनिंग क्या होता है, ये सारी बातों को ध्यान से देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो बने रहे लास्ट तक। डेफिनेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट एंगल ऑफ ए लाइन, इसको भी देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ ए लाइन क्या है, इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए लाइन। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट का मतलब टेंजेंट और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट दो वर्ड्स इसलिए यूज किए गए कि यहां पर टेंजेंट स्पर्श रेखा भी होती है, तो स्पेशली उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि टेन ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लोप को समझना है। तो यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का डेफिनेशन दिया है, विच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज सेंस। जो कंटेंट लिखा गया है मैं पढ़ दे रहा हूं इसलिए कि ये बुक्स में भी है, ये आपको मिल जाएगा, बट बताना कैसे है, कैसे समझना है उसको देखते हैं। यहां पर हमने प्लेन पर तीन लाइन ड्रॉ की है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे मेजर करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी जैसे ये लाइन ली गई है तो अब इस लाइन का एक्स एक्सिस से झुकाओ, हिंदी में बोलते हैं एक्स एक्सिस से झुकाओ, कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वाई एक्सिस भी है एक्स एक्सिस भी है, दोनों से झुकाव हो सकता है, मगर स्टैंडर्ड जो माना गया है हमेशा एक्स एक्सिस से झुकाव ही लेते हैं और झुकाव एक खास दिशा में और एक खास रोटेशन में लेते हैं। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से झुकाव जो देखेंगे तो हमेशा इस लाइन को जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगी उसके पॉजिटिव साइड में जाएंगे और रोटेशन घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे और कर्व की ओर, तो यहाँ पे बढ़े, तो ये हमारा थीटा है। जनरली हम लोग ये बना सकते हैं, जो हमने मार्कर को डायरेक्शन दिखाया है वो नहीं लेंगे। अब जैसे यहाँ पर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे और लाइन की तरफ बढ़ेंगे, जितना एंगल ऑफ रोटेशन होगा वही इंक्लिनेशन होगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि इसके कट पॉइंट से आगे की ओर पॉजिटिव होता है, पीछे की ओर निगेटिव, तो पॉजिटिव ओर से लाइन की ओर बढ़ेंगे, तो यही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। कोई भी लाइन है, गलत तरीका क्या है हम बता दे रहे हैं, जैसे ये है तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है लाइन, अगर आपने ऐसी ली है, अगर आप ये मेजर कर रहे हैं ये भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है। तो ये जो हमने क्रॉस किए हैं ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, हमेशा लाइन के और जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक वाइज सेंस में, रोटेशन जो अमाउंट होगा वही थीटा होगा, वही एंगल होगा, उसी का टेन थीटा, उसी का क्या लेना है टेन लेना, वही स्लोप होगा। मुझे लगता है कि अगर एंगल दिया गया है या एंगल मेजर करना है वो भी आप मेजर कर लेंगे ज्योमेट्रिकली और उसका स्लोप भी आराम से निकाल लेंगे इस डेफिनेशन के साथ। तो स्लोप ऑफ ए लाइन समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसका एक एग्जाम्पल लिया जाए। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो हम ये मान चल रहे हैं कि आप बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे हैं, तो बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहे हैं। सबसे बिगनिंग लेवल पे एक क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज इंक्लाइंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मीजर्ड इन एंटी क्लॉक वाइज सेंस। तो हम लोग लाइन को प्लेन पर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन दी गई है, लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से दिया गया है, वो 60 डिग्री के झुकाव पे है, तो 60 डिग्री के झुकाव पे ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती है,
कहीं पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि किस क्वाड्रेंट में और किस पॉइंट से पास हो रही है। तो एक सिंपल सी ऐसी कोई भी लाइन ले सकते हैं, क्वाड्रेंट का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ बनाएं चाहे यहाँ बनाएं, उसका एंगल आप अमाउंट जो दिया गया वो 60 डिग्री है। स्लोप का मतलब ये होता है कि एम बराबर 10 जो मीजर ऑफ अमाउंट जो एक्स एक्सिस से वो एंगल बना रही है 60 दैट इज़ रूट 3। तो यहाँ पर दो बातें हाईलाइट करेंगे कि ये जो अमाउंट है, ये एंगल है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो एम आया है ये स्लोप ऑफ लाइन है, दोनों में फ़र्क है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ लाइन में फ़र्क है, आप दोनों को एक बात से रिलेट नहीं गए। हाँ, बशर्ते ये है कि जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइन ऑफ ए लाइन पता होगा, तभी आप स्लोप निकाल पाएंगे। बट ज़्यादातर स्टूडेंट बिगनिंग में समझते हैं कि स्लोप ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो थीटा है, झुकाव है जो एक्स एक्सिस से लाइन झुकी हुई है, और स्लोप प्रवणता जो ढाल है। ठीक है, जब भी किसी कॉन्सेप्ट को, किसी चीज़ को समझना हो तो सबसे पहले उसका एक माइंड में एक फिगर बनाते हैं, और ज्योमेट्री की कोई बात समझनी हो तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री से समझ में आना चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला तो हमने देखा, फार्मूला समझ में आ गया, उसको लगा भी लेंगे, बट ज्योमेट्रिकली उसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको स्लोप से अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अब तीनों फिगर को इतना से देख लें, जो हमारी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें घटती हैं। यहाँ पे हमने दर्शाया कि एक रोड है, प्लेन रोड है, एक पर्सन यहाँ से चला और यहाँ तक गया, एक पर्सन एक ऐसे सीढ़ियों पर जा रहा है, यहाँ से चलेगा और लास्ट में आपको पता है कि डेस्टिनेशन उसकी यहाँ पर है। एक पर्सन ऊपर से यहाँ पे पहुँचेगा, तो जैसे जैसे पर्सन आगे बढ़ रहा है, कहने का मतलब उसने इतना यहाँ पे एक्स ट्रेवल किया, इतना वाई ट्रेवल किया, तो जैसे यहाँ पे आगे बढ़ा तो उसकी हाइट में चेंजेस हुए, वो ऊपर पहुँच गया। ऊपर पहुँचना मतलब पॉजिटिव नेचर शो करता है। यहाँ से चलने के बाद आपको पता है ये सीढ़ियाँ इसको ऊपर ले जाने वाली हैं, तो इसके एक्स में भी चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये था और बाद में फाइनली वो यहाँ आ गया, तो इसके एक्स में चेंज हुआ, यहाँ पर ये एक्स आ गया, इतना चेंज हुआ, और वाई में भी चेंज हुआ। यहाँ पर कुछ देर बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो एक्स यहाँ था, और जब यहाँ आया तो एक्स में चेंज हुआ, और वाई यहाँ था, वाई में भी चेंज हुआ। तो वाई चेंज हुआ, वाई नीचे यानी घटा हुआ है, नीचे आने का मतलब निगेटिव नेचर है, और यहाँ पर ऐसे जा रहा है, एक्स में तो चेंज हुआ, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ। तो स्लोप का मतलब है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन। तो यहाँ वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी अगर लाइन ऐसी हैं जो आगे जाने पर ऊपर ले जाती हैं, तो इन सारी लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात को ध्यान रखें, मतलब जैसे जैसे एक्स, मैंने बोला कि रियल लाइन पे हमेशा लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है आगे बढ़ना, और ऊपर जाने का मतलब होता है वाई एक्सिस पे पॉजिटिवली जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी लाइन जो होगी वो ऊपर ले जाएंगी, स्लोप पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एक्स में चेंजेस यानी आगे बढ़ रहे हैं तो वाई नीचे जा रहा है, ऐसी लाइन्स का स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। और इस तरीके की लाइन्स जो एक्स के समांतर हैं, यानी एक्स में चेंज हो रहा है वाई में चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, और कोई ऐसी वॉल है उस पर चढ़ना तो यहाँ पर स्लोप अनडिफाइंड है, स्लोप क्या है, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। तो इन सारे फिगर से ज्योमेट्रिकली जो फिगर बनाए हैं, जिन्होंने भी इनको देखा होगा, समझा होगा, उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना होगा। ढाल जो हमारे लाइफ में पहाड़ों पर चलते हैं, समतल प्लेन पर चलते हैं, सीढ़ियों पर ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो वो लाइन्स ही होती हैं, वो लाइन्स या तो नीचे ले जाती हैं या ऊपर ले जाती हैं, तो उनका मेजरमेंट ही स्लोप होता है। तो लाइन्स में
ये जरूरी इम्पॉर्टेंट है कि प्लेन पर वो ऐसी हैं या ऐसी हैं या ऐसी हैं, तो ये स्लोप मेजर करता है। ठीक, स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कहने का मतलब लाइन एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स हैं उनसे होके पास होके जा रही है। पहले हमने स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ एंगल, यानी लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस से दिया गया है तो आपको स्लोप निकालना था। अभी क्या है कि वो लाइन दो बिंदुओं जो नोन है उनसे होके गुजर रही है, तो यहाँ पर एक ए पॉइंट नोन है एक्स वन कामा वाई वन और एक बी पॉइंट नोन है एक्स टू कामा वाई टू, इनसे होकर लाइन जा रही। तो यहाँ पे हमने फिगर दिखाया है, दर्शाया है कि ए एक्स वन कामा वाई वन नोन है और बी एक्स टू कामा वाई टू नोन है, यहाँ से पास हो रही है। प्लेन पे हमें मैपिंग कराई है कि एक्स वन कामा वाई वन का मतलब ये एक्स वन है और ये वाई वन है, एक्स टू कामा वाई टू का मतलब है ये एक्स टू है और ये वाई वन है, ये वाई टू है, तो ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, तो ये y2 माइनस y1 और ये x2 है और ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1। हॉटस्पॉट ना हो इस वाले फिगर को जहां पर हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे इसको हम यहां ले आए। देखिए वही पॉइंट ऑफ मैपिंग कराई है ए सी बी, वही ट्राइंगल लिया ए सी बी, जो मेन पार्ट हमने बोला था ये चीज, ये x2 माइनस x1 आ गई और ये y2 माइनस y1 आ गई। m बराबर tan थीटा ऑलरेडी नोन था, पता था, टेन थीटा बराबर रिमाइंड करा दें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बी सी अपॉन ए सी। जैसे ही आप यहाँ पर बी सी को वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे तो ये हमारा स्लोप आ गया, और यहाँ पर जो स्लोप आया है वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आ गया। तो इसलिए अगर कोई लाइन, उस लाइन के दो बिंदु हमें नोन है, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट उसके नोन है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण भले ही ना पता हो, मगर हम उस पॉइंट के हेल्प से स्लोप निकाल सकते हैं। तो एंगल दिया गया है तब भी स्लोप निकाल लेंगे, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट दिए गए तब भी स्लोप निकाल लेंगे। इतना ही हमें अभी जानना है, इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, उसके बाद आगे लाइन्स के सारे कॉन्सेप्ट बारी बारी से देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है लाइन के, उन सारे लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बारी बारी से देखेंगे और उनके क्वेश्चंस और उनका प्रूविंग भी देखेंगे। तो आप लास्ट तक धीमे धीमे जैसे जैसे ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आप हर पार्ट को देखते रहिए। कोऑर्डिनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसे डरे रहते हैं, हमने ग्रेजुअली बहुत ही आराम से ऐसा शेड्यूल किया है कि बहुत ही आराम से चलते रहेंगे। उन बच्चों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं जो रेगुलर निरंतर शुरुआत से देखते आए हैं, ये मैं पहले ही जान चुका हूँ या आपके रिफ्लेक्शन से आपके कमेंट से। कुछ बच्चे, एक बार मैं और बात रिमाइंड करा दूं, कुछ बच्चे फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो उनसे हमने बोला ही है कि हम लोग उन सारे बच्चों को स्कैन कर रहे हैं जो वीडियोस के बाद फीडबैक देते हैं, फीडबैक इन द सेंस बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नाइस वीडियो, इस सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जो ये बोलते हैं कि ये टॉपिक लाया जाए, ये टॉपिक दिया जाए, ऐसा किया जाए, इसके क्वेश्चंस दिए जाएं, इस टॉपिक को उठाया जाए, तो ऐसे टॉपिक्स की या ऐसे कन्वर्सेशन से हमें कुछ आइडिया मिलता है, हम वहाँ पर केंद्रित कर पाते हैं कि बच्चों की डिमांड ये है, एक नया आइडिया मिलता है तो उससे हम नया वीडियो कुछ बना पाते हैं। तो ऐसे बच्चे हमेशा अप्रिशिएबल हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसी फीडबैक आप दीजिए, हम लोग जान पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड है, एक नया आइडिया मुझे मिलता है, मैं उसको एक वे देता हूँ, वो आप तक पहुँचता है। तो जब आप हमें एक नया आइडिया देंगे अपने कन्वर्सेशन से, तब हम आपको एक वे दे पाएंगे, ये मावला क्लासेस की दिशा आगे तक ले जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस आपको कुछ देंगे, वो क्वेश्चंस आप करिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि हर लास्ट के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, स्लोप पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइव क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, बहुत ही बिगनिंग लेवल क्वेश्चंस हैं, जो शुरुआती दौर पर हैं उनके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और लगाए, और कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप जरूर डिस्कस करें। थैंक यू, आगे फिर नया कोई टॉपिक या इसी के आगे हम लोग बढ़ाएंगे। धन्यवाद।